नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। भारत का सबसे भूतिया स्थान। तो अभी हम पहुंचे हैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के भानगढ़ किले पे। मेरे पीछे वहां पे भानगढ़ किला है, जिसको भारत का सबसे भूतिया किला बोला जाता है। इस किले को 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। जब ये किला बना था तो ये 7 मंजिल किला था, अभी ये 4 मंजिल रह गया है, यानी इसकी 3 मंजिल पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1995 में शाहरुख खान और सलमान खान की बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी करण और अर्जुन की शूटिंग भी यहाँ पे हुई थी। बचपन में जब हमने उस फिल्म को देखा था तो ये खंडर दिखाए गए थे, जहाँ पे मैं अभी खंडरों पे खड़ा हूँ। तो हमको लगता था कि यार करण अर्जुन का गाँव कितना डरावना है, कितना भूतिया है। ये खंडर जैसे दिखाए गए थे ना, तो हम कहते थे कैसा खंडर नुमा गाँव दिखाया गया था। तो करण अर्जुन की जो शूटिंग है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, और भी मतलब कई जगहों पे इसकी शूटिंग हुई है। अगर आप लोगों को वो शूटिंग लोकेशन वाली वीडियो देखनी है, सारी लोकेशन मैंने कवर की हुई है, आप लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं उन वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये किला दिखाने वाला हूँ। अभी हम आगे की तरफ चलेंगे। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये पहले एक बाजार था, अभी तो ये पूरी तरह से खंडर हो गया है। तो चलते हैं, और भी इसकी जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। दोस्तों, ये जो गलियारा है, गलियारे के दोनों तरफ ये जो मतलब छतग्रस्त जो दुकानें टाइप की बनी हुई हैं, पहले ये दुकानें थी, मतलब यहाँ पे ये मार्केट लगता था। देखो, ऊपर जाने के लिए बकायदा यहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनी थी, जो अभी टूट चुकी हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता था, यानी इन सीढ़ियों को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि इसकी दूसरी मंजिल भी रही होगी, क्योंकि ये सीढ़ियाँ इसीलिए बनाई गई थी कि इसकी दूसरी मंजिल पे भी जाया जाए। तो सारी की सारी जो दुकानें आप लोग देख रहे हैं, बाजार जो देख रहे हैं, ये जो मार्केट देख रहे हैं, ये भानगढ़ का मार्केट था। जब यह भानगढ़ किला था, जब यहाँ पे राजा रहते थे, तो ये पूरा मार्केट हुआ करता था। तो ये सारी दुकानें थी, उस जमाने में कितना सुंदर रहा होगा। ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गेट टाइप का बना हुआ है, उसके बाद एक यहाँ पे ये लगा हुआ है, उसके बाद दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ तक ये पूरी दुकान नुमा बनी हुई है। दोस्तों, करण अर्जुन फिल्म का जो गाना है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, उसका एक सीन लिया गया था यहाँ से, जिसमें ये बरगद दिखाया गया था। आज भी बरगद वैसे के वैसे है, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान और जो रहती हैं राखी गुलजार जी, वो इधर से निकलते हुए जाती हैं। तो वो वाला सीन यहाँ से लिया गया था, और इस गाने के कई सीन आगे लिए गए हैं। अभी बारिश भी पड़ने लगी, तो वो सीन भी आप लोगों को दिखा देंगे इस वीडियो में, और भानगढ़ किला भी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम लोग भानगढ़ किले में मतलब एंटर कर चुके हैं। वैसे तो हम भानगढ़ किले में एंटर पहले ही कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे एक गेट और बना हुआ है, तो इस गेट से अभी हम अंदर आ गए हैं। यहाँ से जो भानगढ़ का फोर्ट है वो साफ दिख रहा है, वो है भानगढ़ का फोर्ट। और यहाँ पे ये है गोपीनाथ मंदिर। करण अर्जुन फिल्म की जो शूटिंग है ना, गाने की जो शूटिंग है, इस मंदिर के कई सारे सीन लिए गए हैं, जहाँ पे करण अर्जुन यहाँ पे मतलब वो डंडी से खेलते रहते हैं, और उस दीवार पे वहाँ पे करण और अर्जुन लिखा गया था। तो करण अर्जुन फिल्म की जो शूटिंग है वो इसी मंदिर पे हुई है, और इस फोर्ट की कई कहानियाँ हैं भूतों से रिलेटेड। पहली कहानियाँ तो ये है, जो यहाँ के नज़दीक के लोग बताते हैं, यहाँ की जो राजकुमारी थी रत्नावती, बताते हैं बहुत ही सुंदर थी, और इसमें एक सिंधिया नाम का तांत्रिक रहता था। वहाँ पे देखो, वो ऊपर सामने दिख रही है एक छोटी सा गुंबद, बताते हैं वो सिंधिया नाम का एक तांत्रिक था, उसका गुंबद है। तो उस पे राजकुमारी का दिल आ गया, अब वो राजकुमारी से शादी करना चाहता था, जो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो राजकुमारी थी और वो एक तांत्रिक था। ऐसे कहानी तो ऐसी है कि राजकुमारी की जो दासी थी, वो बाजार से तेल लेने के लिए आई थी, और उस तेल को उसने अभिमंत्रित कर दिया, यानी उसमें एक ऐसा मंत्र डाल दिया, ऐसा मंत्र उस पे मार दिया, जिससे राजकुमारी अगर उस तेल का यूज करती तो वो उस पे मोहित हो जाती, यानी सम्मोहन में वो उस पे मोहित हो जाती, उनके बस में हो जाती वो, उस तांत्रिक के बस में। तो बताते हैं राजकुमारी भी जानती थी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत जादू वगैरह, तो उनको उन्होंने पता कर लिया कि ये जो तेल है इसको अभिमंत्रित किया गया है, यानी इसको मंत्र से अभिमंत्रित किया गया है, और उन्होंने उस तेल को एक पत्थर पे जाके मतलब मार दिया, और वो पत्थर बताते हैं उड़ते हुए गया, और वो जो सिंधिया नाम का तांत्रिक था उस पर जाके मतलब गिर गया, यानी सिंधिया नाम का जो तांत्रिक था उस पत्थर के नीचे दब गया, और दबते दबते उसने श्राप दे दिया कि
कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरे मरने के बाद ये जो यहाँ का जो मतलब भानगढ़ है ना, इस भानगढ़ में कोई भी रह नहीं पाएगा, सारे लोग एक साथ में मर जाएंगे। और उसके बाद बताते हैं कि अजबगढ़ और भानगढ़ में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया और उसके बाद यहाँ पे जो सारे लोग थे वो मारे गए। दूसरी कहानी ऐसे बताते हैं कि जब इस फोर्ट का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पे एक बाबा थे, उनकी एक तपोस्थली बनी हुई थी, एक कुटिया बनी हुई थी। जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो किले का जो निर्माण करा रहे थे, उन्होंने पूछा था बाबा से कि बाबा यहाँ पे हम किला बना सकते हैं क्या? तो बाबा ने कहा ठीक है, आप किला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शर्त रहेगी कि ये जो किला आप लोग बनाएंगे ना, इसकी जो छाया है यानी छाँव जो होती है वो छाँव मेरी कुटिया पे ना आए। मतलब ज़्यादा ऊँचा किला नहीं बनाना, वो छाँव मेरी कुटिया पे ना आए, आप इतना किला बना सकते हैं। बताते हैं किला बनता चला गया, 7 मंजिल किला बन गया और जो कुटिया थी बाबा की जो कुटिया थी वो नीचे थी। तो बताते हैं किला बनने के बाद वही हुआ, यानी छाँव उनकी कुटिया पे आ गई और उन्होंने फिर श्राप दे दिया कि ये मतलब सारा जो शहर है ये विनाश हो जाएगा। अब पता नहीं ये बातें सच हैं। यहाँ पे अगर बात करें मंदिरों की तो उस किले में कई सारे मंदिर भी हैं। मुख्य 4 मंदिर हैं यहाँ पे, जिसमें गोपीनाथ है, सोमेश्वर है, केशव राय है एवं मंगला देवी मंदिर है। सबसे पहले यहाँ पे एक गुफा मिली हमें, गुफा के अंदर चलते हैं। ये उस जमाने में मेरे हिसाब से कोई गुप्त रास्ता रहा होगा। यहाँ पे अगर देखो तो कुछ लोगों ने यहाँ सिगरेट लगाई हुई है, कुछ ने अगरबत्ती लगाई हुई है, पता नहीं अंदर क्या है। अंदर चल के देखते हैं इसमें अंदर क्या है। यहाँ पे देखो ये कुछ सिगरेट वगैरह यहाँ जलाई गई है और अंदर एक बार देखें क्या इस मेरा छोटा सा मोबाइल कितनी रोशनी दे पाएगा। अंदर गए, यहाँ पे तो 2 शूज पड़े हुए हैं भाई किसी के, और बहुत ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, वहीं तक है बस लाश। ये यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता गुप्त था जो बंद कर दिया है और इधर कुछ नहीं है, यहाँ तक है बस लाश। ये इसकी लास्ट दीवार है, ऊपर है दिख रहा है क्या वो सुराग है? यहाँ पे देखो ये कुछ दिख रहा है आपको, अभी ऊपर चल के देखेंगे कुछ। वहाँ पे देखो गेट लगाए गए हैं, ये बाद में लगाए गए होंगे, ये जो इधर लोहे के गेट लगाए गए और इधर ये पूरा खुला हुआ है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर से इनको दिखाएंगे महल की। जब पहली मंजिल पे आप लोग आते हैं तो यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे कमरे दिखते हैं, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं। तो हमें यहाँ पे चमगादड़ों की मौजूदगी का एहसास हो गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्मेल आ रही है। इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक गलियारा टाइप का बना हुआ है। ये जो गलियारा है बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। इस साइड आगे दिखाओ अमर भाई, ऊपर दिखाओ, ये कलर देखो उसी टाइम का है, क्योंकि इस खंडर होने के बाद कभी भी इस किले को रिपेयर नहीं किया गया है। तो ये जो आप कलर वगैरह देख रहे हैं, डिज़ाइन वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारी की सारी उसी ज़माने की है। यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, ये चमगादड़ अभी बंद कर दिए हैं। ये पहले सीढ़ियाँ होंगी ऊपर जाने के लिए, अभी पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। ऊपर अगर देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चमगादड़ है, आवाज़ कर रहे थे अभी, वो देख रहे हैं वो सारे के सारे चमगादड़। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले के अंदर रात में चीखने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जो यहाँ के लोगों का कहना है। अगर बात करें तो ऐसे कहते पायलों की आवाज़ भी आती है। अभी आप लोगों ने सुना चमगादड़ बोल रहा था, सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे पायल बज गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत से चैनल वालों ने यहाँ पे आके रात में भी वीडियो शूट किया है, जिसमें कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि रात के एक पहर में मतलब कुछ देर के लिए उनका जो कैमरा था वो ऑफ हो गया और पता ही नहीं चल पाया कि ऐसा क्या हुआ। जिससे पता तो ये लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ निगेटिव एक्टिविटी तो ज़रूर है।
दोस्तों, अगर आप भी इतिहास पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मैं आप लोगों को एक बुक समरी का सुझाव दूंगा जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर नगर फोर्ट की जेल से इस किताब को लिखा था। ये समझाती है कि भारत कैसे वेदों और उपनिषदों से होकर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ये हमें समझाती है कि हमारी असली पहचान क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। भारतीय अखंड की आवाज है इस किताब में। आप इसको आसानी से कुक्कू FM पर सुन सकते हो। कुक्कू FM ऐप जो कि इंडिया का नंबर 1 लर्निंग ऑडियो प्लेटफॉर्म, जहां पर आप 4000 से भी ज्यादा कंटेंट सुन सकते हैं ऑडियो फॉर्मेट में, और वो भी अपनी रीजनल भाषा। इसमें बुक और समरी भी मौजूद है। वैसे तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन ₹399 का है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ₹199 में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये जो ऑफर है ये 250 यूजर के लिए ही वैलिड है। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा और आगे की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। इसमें भी अभी वही चमगादड़ है, पूरी तरह से चमगादड़ों ने इस पे कब्जा कर लिया है। यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा। अभी हम पहुंचे दूसरी तरफ, यानी अभी दूसरी साइड थे हम, पहली मंजिल पे हैं। तो यहाँ पे भी उसी टाइप के देखो, एक यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना हुआ है, रूम टाइप का ही है। इससे नीचे अमर इधर दिखाओ आगे, रोशनी से होते हैं ना। इसमें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये देखो नीचे, यहाँ पे नीचे जाने के लिए भी एक रास्ता बना हुआ है। तो नीचे जाना तो अभी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी बहुत सारे चमगादड़ हैं, क्योंकि वो उड़ रहे हैं तो यहीं से देख रहा है। नीचे एक गुफा नुमा बनी हुई है, यहाँ से निकलते हैं। ये जो है नीचे जो गया हुआ है, ये इनको खुफिया रास्ते भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक और रूम बना हुआ है, इस रूम को आप लोगों को दिखाते हैं। इस रूम को देखो, ये एक बड़ा रूम है। वो जो रूम थे वो छोटे छोटे रूम थे, ये तो थोड़ा बड़ा रूम है। हालांकि चमगादड़ तो यहाँ पे भी है, डर इस बात का कि कोई चमगादड़ चिपक ना जाए। उबत तेरी उड़ गए, बहुत सारे चमगादड़ हैं भाई यहाँ पे, तो नहीं जाते, नहीं जाएंगे। इस साइड में भी ये दीवारों पे चिपके हुए हैं ना चमगादड़, जैसे ही उधर नजदीक जाता हूँ ना उड़ने लगते हैं। ये तो इनके पास नहीं जाते, क्योंकि ये मना कर रहे हैं कि भाई इधर ना आओ, तो हम जाएंगे भी। चलिए अभी हम चलते हैं दूसरी मंजिल पे, और आप लोगों को फिर दूसरी मंजिल पे चल के दिखाते हैं। पहुँचे ऊपर वाले हिस्से में, यानी तीसरे फ्लोर पे पहुँचे हैं। इसके लास्ट में वहाँ पे चौथा फ्लोर है जो बिल्कुल खंडर हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। तो देखो ये वाली नक्काशी देख के आप लोग देखिए कि उस जमाने में कितना सुंदर रहा होगा ये किला। और ये वाला जो पत्थर है, ये मार्बल पत्थर है, ये सफेद मार्बल पत्थर। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी कलाकारी हुई। दोस्तों अभी मैं सबसे ऊपर पहुंचा हूं फोर्ट के, और यहां का जो नज़ारा है, वैसे तो ये टूट चुका है, बहुत सारी चीज़ें यहां पे टूट चुकी हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहां पे ये पूरा टूट चुका है, ये पत्थर गिर चुके हैं। ये देखो इस पे ना कुछ कलाकृति बनी हुई, डिज़ाइन बनी हुई है। और पहले यहां पे ये गेट बने होंगे इस तरह के, और ये पूरा वाइट संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। और ये बलुआ पत्थर है,
तो ये बहुत ही मजबूत है। यहाँ पे जो रानी रत्नावती थी उनका एक मंदिर भी बना हुआ है छोटा सा, तो अभी हम उस मंदिर को भी आप लोगों को दिखाते हैं। आइए मंदिर के पास चलते हैं। यहाँ पे जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ही रानी रत्नावती का एक मंदिर बना हुआ है। ये वाला हिस्सा भी पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पे देखोगे पूरे पत्थर पत्थर बिखरे हुए हैं यहाँ पे, और ये पूरा झाड़ भी उग आया है, तो इसमें सांप वगैरह का भी खतरा है। ये देखो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, देखो इसकी डिजाइन दिखाओ कितनी अच्छी बनी हुई है। पहले पिलर रहा होगा, जब ये किला होगा तो ये पिलर होगा। वहाँ पे देखो एक डिजाइन देखो कितनी अच्छी है, पत्थरों में दबी हुई है। तो ये सब देखने के बाद पता लगता है कि पहले ये किला बहुत ही भव्य रहा होगा। यहाँ पे बना हुआ है रानी रत्नावती का एक मंदिर। पहले यहाँ पे लिखा हुआ था रानी रत्नावती मंदिर, लेकिन अभी ये मिट चुका है। मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाओ। यहाँ पे मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं, एक पत्थर है सामने, वहाँ पे लिखा हुआ है रानी रत्नावती, देख पा रहे हो तो रत्नावती माता जी शायद लिखा है, और साफ से नहीं दिख पा रहा है। तो यही है बीच में जो बना हुआ है, इसी की पूजा ये लोग करते हैं। देखो ऊपर अच्छा बना हुआ है, और यहाँ से ये देखो पूरा किला इधर दिखता है, पूरा खंडर हो चुका है। देखो ये डिजाइन देखो कितनी अच्छी यहाँ पे बनी हुई है। ये जो पड़ा हुआ है इसकी ये देखो डिजाइन कितनी अच्छी ये डिजाइन बनी हुई है। इन सभी को देखते हुए लगता है कि जब ये किला बना मतलब अच्छा रहा होगा तो बहुत ही भव्य दिखता होगा। यहाँ पे देखो ये जो दरवाजा टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे कितनी अच्छी इसकी डिजाइन बनी हुई है। पहले ये किला बहुत ही विशाल किला था, दूर से ही दिखता होगा। उस साइड में भी शायद कुछ कमरे वगैरह हैं, चलें क्या देखें? वहाँ पे भी कुछ कमरे वगैरह बने हुए हैं। जैसे ये किला है धीरे धीरे करके गिरता हुआ जा रहा है, खंडर होता हुआ जा रहा है, इसकी कोई भी देख रेख नहीं हुई है। यहाँ पे देखो ये कमरा बना हुआ है, ये छोटा सा ही कमरा है इतना बड़ा। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पेंट जो है उसी जमाने का है, यहाँ अभी तक फीका नहीं। अगर अपने घरों में हम लोग पेंट कराते हैं तो वो 5 साल 10 साल यहाँ तक कि 20 साल में तो उतर ही जाएगा, लेकिन इसको सैकड़ों साले हो गई और अभी तक ये उतरा नहीं है, फीका नहीं पड़ा है। हम इसके सबसे ऊपर वाले छोर पे चलते हैं, यानी सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है वहां पे चलते हैं, जो अभी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पहले ये वाले भी इतने ही ऊंचे बने होंगे, लेकिन ये गिर चुके हैं और धीरे धीरे करके ये भी गिरता हुआ जा रहा है। अभी हम किले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में आ गए हैं, लास्ट। यहां से देखो इस साइड ये पूरा खंडर हो चुका है, ऊपर का भी वो पूरा खंडर हो चुका है। लोगों की माने तो वो जो बताते हैं वो सिंधिया का वो आश्रम रहा होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ से इनका जो एक सैनिक था वो नज़र रखता था कि कोई भी दुश्मन मतलब हमला ना कर दे, ऊपर से ही किले की रखवाली होती थी। यहाँ से नीचे से अगर ज़मीन से देखो तो कितनी ऊंचाई पे जाके ऊपर बनाया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है। यहाँ से पूरा फोर्ट दिख रहा है नीचे, देखो इस फोर्ट के अंदर मंदिर कई सारे हैं। एक मंदिर यहाँ पे है इस साइड में, और एक मंदिर इस पेड़ के बगल में है। कुंड है इसके बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक जल कुंड, इसका जो पानी है वो प्राकृतिक है, कोई भरता नहीं है। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है चेतावनी, इस कुंड में प्रवेश स्नान करना खतरनाक है क्योंकि कुंड में जहरीले जीव जंतुओं का वास है, कृपया इससे दूर। तो ये है वो कुंड जिसका जो पानी है वो प्राकृतिक तरीके से आता है, उसमें भरा नहीं जाता। ऊपर चले मंदिर दिखाए, मंदिर बहुत, यहाँ पे जो शिवलिंग है ना काफ़ी बड़ा है।
ये जो मंदिर है इसका नाम है सोमेश्वर मंदिर और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर भी तभी बनाया गया था जब ये किला बनाया गया था, जब ये फोर्ट बनाया गया था तब इस मंदिर को भी बनाया गया था। इस मंदिर में भी संगमरमर का यूज किया गया है ये वाला, और ये पिलर भी संगमरमर के हैं। इसी तरह के जो पिलर हैं वो फोर्ट के ऊपर भी लगे हुए थे, लेकिन अभी वो गिर चुके हैं, टूट चुके हैं। यहाँ पे नंदी भगवान की प्रतिमा है, ये नई है वो पुरानी है, और अंदर शिवलिंग है। तो दोस्तों अभी हम पूरा भानगढ़ किला घूम चुके हैं, आप भी इस वीडियो में भानगढ़ का किला देख चुके हैं। तो भानगढ़ और अजबगढ़ दोनों किलों को साथ साथ में मतलब नाम लिया जाता है। तो अभी तो टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 5 बजने वाले हैं, कल हम जाएंगे अजबगढ़। आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को अजबगढ़ का किला भी दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।